हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग, जैसे आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो यूएस की विजिट पे है। तो यूएस की विजिट पे जो है उनके हमारे मतलब यूएस और इंडिया के बीच में ना कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है। कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डील्स है ना वो कन्फर्म हो चुके हैं। तो ये पूरी पूरी डील है ना हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लेके है। तो इसमें क्या बात है, जो जेट इंजन की डील है ना वो एंश्योर कर दी, जो 80% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर होगी इंडिया को। इंडिया में कहाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट के पास। किसके थ्रू हो रही है ये, जो हमारे यूएस का हमारे GE है, जनरल इलेक्ट्रिक, इसने ये ट्रांसफ़र करेगा 80% टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट में, ठीक है। इसने साइन कर लिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दी गई है किसके लिए, HAL के लिए, हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट के लिए, कि ये सारी सारी क्या ना ट्रांसफ़र करेगा 80% जो हमारी इनके पास टेक्नोलॉजी है जेट इंजन को लेके उसके लिए। और इवन इसमें क्या बात कही है, जो हमारी LAC, ठीक है, LAC MK2 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 है ना, उसके लिए सारे ट्रांसफ़र हो रही है चीज़ें, ठीक है। जो GES है ना इसके साथ साथ ये हमारी ट्रांसफ़र हो गया F414 इंजन। ये जो F414 इंजन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग ये हमारे इंडिया को ट्रांसफ़र कर देगा। और उसके साथ साथ हमारी है ना जो डिफेंस के रिगार्डिंग में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और इसी के अंदर इन्होंने जो इंडिया यूएस है इन्होंने आपको बताया कि इनके बीच में इंडस एक्स एक वो क्या नाम है, इंडस एक्स के साइड पे भी इन्होंने क्या नाम है एक्सेलरेट किया था इन चीज़ों को, ठीक है। जो हमारा जो अभी ये हमारी रिसेंटली विजिट हुई है ना उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारी GE जो हमारी जनरल इलेक्ट्रिक है, जो GE हमारी ट्रांसफ़र कर रही है F414 इंजन को। ये हमारा F414 इंजन है क्या, ठीक है। ये हमारा एक जो है ना टर्बोफैन इंजन है जो कि यूएस की नेवी यूज़ करती है। यूएस के अंदर मतलब ये मतलब ओवर 13 ईयर 30 साल से ये मतलब यूएस की नेवी इसको यूज़ कर रही है। ये जो इंजन है ना इसके टर्बोफैन इंजन है बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों से इक्विपाइड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर जो चीज़ है ना इसके अंदर ड्यूल चैनल फ्यूल है जो कि मतलब एक तरह से डिजिटल इंजन कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसके अंदर छह स्टेजेस है, जो हाई प्रेशर कंप्रेसर, एडवांस हाई प्रेशर टर्बाइन, उसके बाद फोडरल सिस्टम ऑफ नोजल एरिया, तो ये सारी सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके थ्रू आपको बता देती हूँ, जो हमारा F414 है इसके अंदर हमारा फ़ैन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें क्या है न्यू हाई फ्लो डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद कंबशन है न्यू एन्यूलर कंबशन मल्टी होल, उसके साथ साथ हमारा हाई प्रेशर टर्बाइन है जिसके अंदर सिंगल क्रिस्टल HPTL है, उसके बाद लो प्रेशर है जिसमें सिंगल क्रिस्टल HPT ब्लेड है। इसके साथ साथ इंजन स्पेसिफिकेशन भी है 35 इन का, और हमारे इसके साथ साथ हाई प्रेशर कंप्रेशर है एंड एडवांस कंट्रोल, और इसके अंदर नोजल वगैरह सारी चीज़ें, मतलब ये मतलब एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ये कर सकता है। इसके अंदर एक्सीलेंट बर्निंग लाइट है, ठीक है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब जब भी ये अपनी परफॉर्मेंस करता है तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी बताई गई है। जो F414 इंजन है ये एक तरह से पावर्ड है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, जिसमें मतलब ऑलरेडी है ना जो हमारे 8 नेशंस है वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, इस जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बस इंडिया के पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आपको बताया इंडिया बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे नए नए इंजन बना रहा है, बट फिर भी है ना हमारे जो इंडिया के जो इंजन्स हैं ना वो इस टेक्नोलॉजी को मीट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र कर रही है यूएस, ठीक है, किसके थ्रू, GE के थ्रू। GE जो हमारा जनरल इलेक्ट्रिक है वो ट्रांसफ़र कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट को, जो 80% ट्रांसफ़र इसको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र वो हमें कर देगा, ठीक है। ये F414 इंजन के बारे में हमारा हो गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या बताना चाहिए, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो इंजन्स हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें इंडिया के एक चीज़ भी रिक्वायरमेंट्स हमें पढ़नी होती है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो F414 है एक तरह से हमारे बहुत अच्छी, जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी पावर है, स्टेबिलिटी है, ठीक है, और इवन इसी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस अपने पास रख रहा है। तो ये पर्टिकुलरली अगर हमें इंडिया को मिल जाता है तो इंडिया इसको जो LCA तेजस है MK2 इसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें बेटर कर देगा ये, ठीक है। इसके अंदर इसके कंटेक्स्ट में हम इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपको पता है जो एरोनॉटिक डिपार्टमेंट एजेंसी है DRDO के, इसने मतलब बहुत सारे इंजन्स बनाए हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट एट द लास्ट जो कह रहे हैं ना F414 से ये कोई भी इंजन मीट नहीं कर पा रहा है इस टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर ये जो हमारा F414 इंजन हम यूज़ कर लेंगे तो ये हमारे मीट करेगा, किससे मीट करेगा, जो हमारे क्या नाम है डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छा कर देगा, और जो हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है, डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पे, उसको भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है, ये डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस कर देगा अगर F414 हम खुद से बनाएंगे तो। ये हमारे इंडिया के लिए इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो मैं अभी नाम ले रही हूँ, बार बार ले रही हूँ, LCA, ठीक है, LCA तेजस MK2। अब ये है क्या, ठीक है, जो हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस MK2, इसकी पूरी फुल फॉर्म यही है, ठीक है। ये हमारा अपग्रेडेड इंजन है, ठीक है, जो हमारा अपग्रेडेड हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट है ना उनका अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें हम क्या कौन से वाले यूज़ करें, F414 इंजन को इसके अंदर यूज़ करेंगे, और ये मतलब इंडिया के थ्रू ही डेवलप किया गया है। और जो हमारा ऑलरेडी इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, टोटल 8 मिसाइल्स की जितनी होती है ना, टोटल 8 मिसाइल जब इकट्ठी जब चलती है उतनी इसके अंदर कैपेबिलिटीज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज के उसे ये साइमल्टेनियसली उसके साथ वर्क कर सकती है, और ये एक तरह से बहुत एडवांस वेपन है एज़ कम्पेयर टू, आपको बताया MK1 आपको सुना, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसे आपको बताया, जब भी MK1 को यूज़ करते हैं तो 57 मिनट पावर की यूज़ करता है, तो MK2 जो है ना इसकी पावर, इसमें इसको भी इनहेंस किया गया है, 121 मिनट पावर को ये यूज़ करके अपना इंजन को बूस्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कहा जा रहा है कि ये ना जी अगर अच्छे से इसको मैन्युफैक्चर वगैरह कर लिया तो ये रिप्लेस कर देगा, किन किन चीज़ों को रिप्लेस करेगा, जो हमारे ऑलरेडी जगुआर हो गया जैसे, ठीक है, जगुआर हो गया, जो हमारा MG29S है, मिराज है, ठीक है, मिराज है, इन सारी चीज़ों को ये रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में सिर्फ LCA तेजस MK2 बहुत अच्छा वर्क करेगा कमिंग डिकेड्स के अंदर, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी है ना जो बिगन हो चुके हैं, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो और कहा जा रहा है कि 2024 तक हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर देंगे, तो ये हमारे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर बता रहा है। और उसके साथ साथ अब हमें क्या पता होना चाहिए, जो इंडिया और US है हमारा, ठीक है, इंडिया और US के जो जेट इंजन की डील है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस देखने को मिले हैं, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंसेस है, तो उसके अंदर ये एक तरह से सेल्फ रियलाइज इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जैसा आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हमारा अदर कंट्री है, जैसे US हो गया, UK हो गया, ठीक है, रशिया, फ्रांस, इन लोगों के पास ऑलरेडी ये वाली टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे से ये टेक्नोलॉजी है, एक तरह से ये इस टेक्नोलॉजी में मास्टर है। और जैसे मैंने बताया, इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे इंजन्स बनाए हैं, बट उसके बाद भी ये इस चीज़ से मीट नहीं करवा रहे हैं, तो हमने बहुत सारे सेल्फ अपने रिलायंस के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और इसके साथ साथ क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स भी बनाए हैं, बट ये फिर भी क्या मीट नहीं कर पा रहा है, कौन सी वाली हमारी टेक्नोलॉजी से, F414 इंजन की, जितना अच्छा ये इंजन है ना उस टेक्नोलॉजी से मीट नहीं कर पा रहा। इसके बाद इसका जो सेकंड मेजर जो सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है, जो हमारी ICET है, इसमें क्या है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसके अंदर एग्रीमेंट क्या साइन हुआ था, जो हमारे 4G टेक्नोलॉजी होते हैं, सेमी कंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे डिफेंस से रिलेटेड है, इनके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें साइन हुई थी इसके अंदर, तो इसके अंदर ये हम डिफेंस को भी कवरअप कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारी ये अच्छे से मतलब जो एग्रीमेंट हुआ है अच्छे से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, तो इंडिया को आने वाले टाइम में डिफेंस के लिए बहुत बेटर मतलब बहुत बेटर चीज़ें मिल जाएंगी, और हम आगे बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, और दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, तीसरी जो मीट है सबसे बड़ी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट एफर्ट पर DRDO को बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। अब ये आज जब आ जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, जो हमारा GTRE है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिश GTRE, तो इन्होंने क्या है बहुत सारे मतलब 9 फ्यूल प्रोटोटाइप के इंजन्स बनाए थे, जिसमें 4 करोड़ इंजन्स बन गए हैं, वो उनकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग हो गई है, मतलब बेस्ट कहा जा सकता है उन्हें, बट फिर भी इसकी मीट नहीं कर पा रहे हैं जो इसके जो रिक्वायरमेंट्स है F414 इंजन की, तो इसलिए भी हमारे मतलब आने वाले टाइम में DRDO को बहुत ज़्यादा मतलब इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिल सकता है। तो ये हमारा है, आप इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि जो हमारा इंडिया है रिसेंटली डिफेंस सेक्टर में कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में हमारा इंडिया कितना आगे निकल चुका है, जितनी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, तो इंडिया का हम रिसेंटली का पूरा पूरा डाटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है इंडिया ने कितने साल चीज़ें बनाए हैं, रुस्तम 2 ड्रोन आपने सुना होगा,
रुस्तम टू ड्रोन कितना बेहतरीन बनाया था। रुस्तम टू ड्रोन हो गया, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हो गए हमारे, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स हो गई हमारी, अग्नि फाइव आपने सुना होगा, अग्नि फाइव ये इंडिया ने बनाया, बहुत अच्छा मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये इंडिया ने खुद इंडिजीनियसली बनाया है, ठीक है, आर्मी के रिगार्डिंग। इसके बाद हमने नेवल में भी वर्क किया है, ठीक है, जो हमारे नेवल में वर्क किया है ना वो हमारा कौन सा हुआ, INS करंज, INS करंज सबमरीन हमने बनाई है, एक OPV विजया पोर्टल वेसल। अब विजया पोर्टल वेसल से क्या है हमारा, विजया पोर्टल है जो दस्तक मारने वाले जहाज़ होते हैं ना, ये हमारा ये इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया, बहुत अच्छा। उसके बाद ध्रुव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग बनाया है, ठीक है, ध्रुव आपने बहुत नाम सुना होगा, ध्रुव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाई है, ये भी शिप है, ट्रैकिंग शिप। उसके साथ साथ हमारा हिमग्री स्टेल्थ भी इंडिया ने बनाया है, तो ये इंडिजीनियसली इंडिया ने इतना अच्छा सा वर्क कर लिया है। बट उसके साथ साथ जो अभी कोलेब्रेशन में हमारा जो वर्क चल रहा है मतलब अदर कंट्रीज़ के साथ, हम उसकी बात करते हैं, जो हम कोलेब्रेशन के साथ अदर कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको पता है बराक मिसाइल, बराक मिसाइल मतलब एग्ज़ाम में बहुत बार ये आ चुके हैं, बराक मिसाइल एंड दूसरे हमारे प्रीशियन गाइडेड, ये हमारी इसराइल से ये हमने टेक्नोलॉजी ली थी, ठीक है, इसराइल, ठीक है। और उसके बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने ये रशिया से परचेज किया था, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हमारी रशिया से आई है। उसके बाद जो अभी आपको पता है GE जो हम USA ले रहे हैं उसके साथ साथ जो GE जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है F-414 जैसी, ये हम अदर कंट्री से ले रहे हैं, फ्रांस UK यहाँ से। उसके बाद राफल फाइटर जेट जो हमने फ्रांस से लिया था, ठीक है, ये जो हमने टेक्नोलॉजी है अदर कंट्रीज से जो हम कोलेब्रेशन में वर्क कर रहे हैं और उनसे ये टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा पूरा जो अभी जो मीटिंग हुई है ना उसमें हमारी इसी के रिगार्डिंग बात है, जो जेट इंजन हुआ है तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।